आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो बारबिट्यूरेट्स होते हैं वो क्या होता है। ऑप्शन गिवन है एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स, हिप्नोटिक्स या आर्टिफिशियल स्वीटनेस। तो देखो, हमें पहले मैं आपको बताती हूँ बारबिट्यूरेट्स होता क्या। ये हमारे ब्रॉडली हम इन्हें बोलते हैं, ये होता है हमारे सेंट्रल नर्वस डिप्रेसेंट्स। और ये करते क्या है, ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को लोअर डाउन करते हैं ताकि रिलैक्सेशन फील हो। तो क्या करते हैं, दे रिड्यूस, क्या रिड्यूस करते हैं, एक्टिविटी किसकी, हमारे नर्व्स की जो हमारी ब्रेन में होती हैं। इससे क्या होता है, हमें मसल रिलैक्सेशन, और इससे क्या होती है, बॉडी फील स्लीपी। ठीक है, तो ये हमारा क्या करती है, हार्ट रेट रिड्यूस कर देती है जब इंक्रीज होता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो तो ब्लड प्रेशर को भी क्या कर लेती है, मेंटेन कर लेती है। तो ये होते हैं हमारे बारबिट्यूरेट्स। ठीक है, और अगर मैं इसका थोड़ा और डेप्थ में इसकी वर्किंग देखें तो क्या होता है, जो हमारे बारबिट्यूरेट्स होते हैं ये किसको अफेक्ट करती हैं, ये अफेक्ट करती है हमारी GABA को। GABA के क्या होता है, यहाँ पे हमारा गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, और ये क्या होता है हमारा, ये हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक मैं केमिकल बोल सकती हूँ जो क्या करता है, नर्व्स को यूज करता है टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्किंग करता है। तो देखो, हमें फर्स्ट गिवन है एंटीबायोटिक्स, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ जिसके आगे एंटी लिखा होता है उनका मतलब क्या होता है कि वो अपोज कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे बायोटिक्स का अपोज करना मतलब, बायोटिक्स हमारा यहाँ पे जो भी हमारे बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायो ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगी, वायरस, प्रोटोजोल्स, उनके वजह से भी जो भी हमारा इन्फेक्शन होता है तो उनको क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो बारबिट्यूरेट्स हमारा कुछ पैरासाइट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं है। एंटासिड्स वो है ड्रग या मेडिकेशन है जो एसिड्स का अपोज करती है। जब स्टमक में हमारी एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो स्टमक के पीएच को मेंटेन करने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं। हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स क्या होता है, हिप्नोटिक्स हम बोल सकते हैं वो ड्रग या मेडिकेशन है जो यूज की जाती है, किस कौन यूज करता है, द पीपल हु आर नॉट एबल टू स्लीप। ठीक है, तो ये एक टर्म है हमारी यूज की जाती है। तो आपने देखा जो बारबिट्यूरेट्स है उनके वजह से क्या होती है, फीलिंग ऑफ स्लीपनेस, ताकि क्योंकि मसल रिलैक्सेशन होती है। तो मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे हिप्नोटिक्स। और आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, जो हमारे फूड में ऐड किए जाते हैं क्योंकि उनकी कैलोरीज क्या होती है, जीरो। तो हमसे ऑप्शन में पूछा था बारबिट्यूरेट्स क्या है, तो बारबिट्यूरेट्स हमारे क्या है, एक तरीके के हिप्नोटिक्स। तो इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, पार्ट सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।